पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आप लोगों को पता है कि हमारा जो दिन है वो आज़ादी का दिन है। ये दिन हमने बहुत मुश्किलों से और बड़ी जद्दोजहद के साथ पाया है और माइनॉरिटी ने भी बड़ी जो है वो यहाँ पर हमारे शेड्यूल कास्ट और लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी है पाकिस्तान को बनाने में। जब वोट की लास्ट में ज़रूरत पड़ी थी तो हमारे जो है वो जोगेंद्रनाथ मंडल और हमारे जो लीडरान है उन्होंने वोट दिया और वो एक वाहिद जोगेंद्रनाथ मंडल थे, पहले हमारे जो है वो कानून के वजीर बने और यही हमारी जो है वो अचीवमेंट है कि आज हम आज़ादी से अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज़ाद पाकिस्तान में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर हम सारे साथ रंगों में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, अमन भाईचारे से रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। नमस्ते। हक मौजूद 14 अगस्त उसके हवाले से हमारी कम्युनिटी के और जो हमारे जो भी पाकिस्तान में बसने वाले लोग हैं उनके लिए हमारा मैसेज है, भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाएं, एंजॉय करें और हमारे लिए ये एजाज़ की बात है। हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाने की हिमायत की थी, शेड्यूल कास्ट वाले लोग, सन ऑफ सॉयल है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग हैं, धरती के प्रवासी हैं, बिल्कुल एक त्यौहार की त्यौहार जिस तरह मनाते हैं इसी तरह हम 14 अगस्त का दिन मनाते भी हैं और हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं और हमारे लिए एजाज़ की बात ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए 6% कोटा रखी गई है। हालांकि 1936 से थी, 1957 में गजट जारी हुआ जिसमें 40 जाते शेड्यूल कास्ट की कोली बिल मेवाड़ जो भी जनडा सासी सामी कंदूरा बागड़ी वाली की और वगैरह ये धरती का सुर प्रवासी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लोग सन ऑफ सॉयल है। पब्लिक फेडरल सर्विस कमीशन के अंदर भी हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको नौकरियों के हवाले से उम्र की हद में उनको 2 साल की रियायतें दी गई है, जिस तरह हमारे मेजॉरिटी वाले जो भाई हैं वो 30 साल तक इम्तिहान दे सकते हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट वाले लोग वो 32 साल तक इम्तिहान दे सकते हैं। ये हमारे एजाज की बात है और सब दोस्तों को दोबारा भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, तारे पाकिस्तान का झंडा उठा के बुलंद करके अपना हर जगह में जाके एंजॉय करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। है और मेरा ताल्लुक बिल्कुल पास से है। जैसा कि आप सब जानते हैं अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और ये वो महीना है जिसमें हम खुशियाँ मनाते हैं, ये वो महीना है जिसमें हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ देके हमें देशों की गुलामी से आज़ाद करवाया है। और नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि हमें इस मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर साथ चलना है, उसके शाना बशाना काम करना है और कोशिश करनी है कि इस मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक में हम शामिल कर सकें। और आखिर में बस इतना कहना चाहूँगी, हम तो मिट जाएंगे अर्द वतन लेकिन।